हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड यू आर इंस्ट्रक्टर फॉर दिस होल कोर्स। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन के बारे में। ओके, तो बिना देर किए करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले हम न्यूटन स्कूल के बारे में देख लेते हैं कि न्यूटन स्कूल क्या है। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप टेक इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, और ये कोर्सेज स्पेशली डिजाइन किए गए हैं फ्रेशर्स के लिए एंड ऑल्सो फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एंड ऑल्सो फॉर वुमेन विद नॉन टेक बैकग्राउंड। तो न्यूटन स्कूल पहले आपको 6 महीने के लिए ट्रेन करेगा और आपको एक अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर बनने में भी हेल्प करेगा। और न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है, जिसमें से रैपिडो है, ड्रीम इलेवन है एंड डिफरेंट टेक कंपनी विच आर ऑब्वियसली गुड। तो न्यूटन स्कूल में जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल आपको इंश्योर करवाता है कि इन टेक कंपनी में आपको मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ प्लेस करवाया जाए। और न्यूटन स्कूल का बेस्ट पार्ट यह है कि जब तक आपकी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5 लाख सीटीसी के साथ कोई जॉब नहीं लग जाती, तब तक आपको न्यूटन स्कूल को कुछ पे करना नहीं पड़ेगा। तो मतलब पहले टेक इंडस्ट्री में प्लेसमेंट, उसके बाद न्यूटन स्कूल में पेमेंट। और न्यूटन स्कूल में लर्निंग पर्पज के लिए एक लॉन्च पैड नेम करके एक प्रोग्राम है, जिसमें आपको सिंपल साइन अप करना है। और जैसे ही आप साइन अप कर लेते हैं तो बहुत से डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे, आप देख भी सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ये सभी कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री है फॉर बिगिनर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन न्यूटन स्कूल एंड लॉन्च पैड के बारे में, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जावास्क्रिप्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन के बारे में। ठीक है, वैसे हमारे लास्ट चार पांच वीडियो आए थे जिसमें हमने एरो फंक्शन यूज किया था। ठीक है, लेकिन वहां पे मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था, कंप्लीट अच्छे तरीके से वहां पे डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम एरो फंक्शन के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये वाली प्लेलिस्ट पूरी देखी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको ये एरो फंक्शन का ही वीडियो देख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट आइडिया दे दूंगा एरो फंक्शन के बारे में। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट पे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम अपने जावास्क्रिप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने इस प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है, अगर आप ओनली एरो फंक्शन का ही वीडियो देखने आए हो, तो मेरी इस पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आज के वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन के बारे में। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो भी हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करने वाले हैं ना, वो हम करने वाले हैं न्यूटन स्कूल की ऑनलाइन आईडी पे। ठीक है, तो न्यूटन स्कूल की ऑनलाइन आईडी को एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल सबसे पहले आना है न्यूटन स्कूल पे। ओके, इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं आप सिंपल गूगल सर्च कर सकते हैं न्यूटन स्कूल। ओके, फिर आपको सिंपल क्लिक करना है लॉन्च पैड पे। ओके, फिर आपको स्टार्ट नाउ फॉर फ्री पे। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का डैशबोर्ड शो करेगा, अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है। तो मैंने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तब मेरे को ये डैशबोर्ड शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 सेक्शन बने हुए हैं, फर्स्ट ट्रैक, प्लेग्राउंड एंड कॉन्टेस्ट। तो आपको सिंपल प्लेग्राउंड वाले पे आना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट प्लेग्राउंड है, मार्कअप प्लेग्राउंड एंड एल्गोरिदम। तो आपको सिंपल जो एल्गोरिदम का प्लेग्राउंड है ना, वहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट के लिए एक प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेना है। ठीक है, इस वाले बटन पे आके। ओके, फिर आपको स्टैंड आउट ओपन एडिटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करेंगे, और अपना जो जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करेंगे वो नोड जेएस के थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो एरो फंक्शन कुछ नहीं है, एरो फंक्शन एक नॉर्मली एक फंक्शन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हम नॉर्मली फंक्शन लिखते हैं ना, उसको हम शॉर्ट वे में लिख सकते हैं। ठीक है, जो ये कि जावास्क्रिप्ट का जो ES6 वर्जन है, इसमें एक नया फीचर आया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही बताया हुआ है, ES6 एरो फंक्शन प्रोवाइड यू विद एन अल्टरनेटिव वे टू राइट ए शॉर्टर सिंटैक्स कंपेयर टू फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक नॉर्मली फंक्शन बताता हूँ किस तरीके से हम लिख सकते हैं, आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड में बता रखा है इसमें। ठीक है, तो हम ये एक एग्जांपल है, हम नॉर्मली जो फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे क्रिएट किया फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद हमारा फंक्शन का नेम, उसके हम बाद हमारे यहाँ पे हम जो भी उसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ राउंड ब्रेसिस में जो भी हम पैरामीटर पास कर रहे हैं वो, और उसके बाद इसमें इस ब्लॉक ऑफ कोड में हमारा जो भी हम ब्लॉक ऑफ कोड हो जाएगा, जो भी हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, जो भी हमारा लॉजिक है वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, तो आप आईडी पे भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या क्रिएट करूँगा, फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद मेरा फंक्शन का नेम, ओके, देन राउंड ब्रेसिस, और इसके अंदर मेरा पैरामीटर होंगे, ओके, जो भी मैं पैरामीटर पास करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 2 नंबर का एडिशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 नंबर लूँगा एज ए पैरामीटर। ओके, और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस, ओके, और देन रिटर्न एक्स प्लस वाई। ओके, और उसके बाद मैं अपने मेरे फंक्शन को कॉल कर लूँगा। तो सिंपल उसके लिए कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, ठीक है, एंड ऐड, और यहाँ पे मैं कुछ नंबर पास कर देता हूँ, 5 और 6। ओके, और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखना मेरे को क्या आउटपुट शो करता है। तो ये मेरे को आउटपुट शो कर रहा है 11। ठीक है, तो ये एक हमारा मेथड है जिससे हम अपना फंक्शन
क्रिएट करते हैं, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे सेकंड चीज में हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ पे हमारा फंक्शन कीवर्ड है, यहाँ पे ये चीज हो जाएगी और इसको एक अलग वेरिएबल में हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, जो भी एक फंक्शन की तरह ही होगा, ठीक है। वो कैसे, यहाँ पे हम यहाँ से ऐड को यहाँ से करने वाले, हटाने वाले हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेट ऐड इज कस्ट, ठीक है। तो ये भी हमारा सेम ही होगा, ओके। इसको मैं रन करूंगा तब भी हमें आउटपुट 11 ही शो करेगा। इसको यहाँ पे चेंज करते हैं, 6 के जगह 7 करते हैं, ओके, ठीक है। यहाँ पे 12 शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे दो एक ही तरीका है, ठीक है। ये हम इससे हमारा फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं हम किस तरीके से इन फंक्शन को हम एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ हमने की है दो नंबर का एडिशन, ये हम एरो फंक्शन की हेल्प से किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, ओके ओके। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। तो एरो फंक्शन को हम किस तरीके से यूज करेंगे, उसके लिए मैं आपको इन सब चीज़ों को यहाँ से पहले रिमूव करते हैं, ठीक है। तो हम बनाएंगे लेट एड, ठीक है। उसके बाद हमारे राउंड ब्रेसेस, ओके। और इसके अंदर जो भी हम पैरामीटर पास कर रहे थे वो वाली चीज़ हो जाएगी, ओके। और उसके बाद हमारा इक्वल टू एंड ये साइन, ओके, एंड कर्ली ब्रेसेस, ओके। और जो हमारे जो भी चीज़ें पहले हम लिख रहे थे, रिटर्न रिटर्न एक्स प्लस वाई, ओके ओके। और यहाँ पे जो मैं कर रहा था कंसोल डॉट लॉग, जो नंबर पास कर रहा हूँ मैं इसमें पास करता हूँ 4 एंड 5, ओके। 4 5 करते हैं, 4 5, ओके। अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, सॉरी यहाँ पे ऐड करना होगा ना, सॉरी ऐड, ओके। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ रन, तो ये मुझे आउटपुट शो कर रहा है 9, ठीक है। तो ये तरीका है मैं एरो फंक्शन लिखने का, जो भी चीज़ थी वो इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो और हम इसको चेक करके भी देख लेते हैं ये हमारा एरो फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एंड टाइप ऑफ एड, ठीक है, टाइप ऑफ एड, ओके। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ रन, ठीक है। तो ये क्या, ये भी चाहिए, ये फंक्शन ही है, ठीक है। तो हम इस तरीके से एक एरो फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ओके। इससे हमारा क्या होगा, और हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, अगर हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है, यहाँ पे जो भी हम फंक्शन के अंदर ये चीज़ें लिख रहे हैं, अगर हमारी ये वाली चीज़ एक लाइन का ही कोड है ना, तो हम इन चीज़ों को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस को रिमूव कर देंगे, ओके, और इस वाली चीज़ को यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। और अगर हमारी इसको भी हम यहाँ से रिटर्न को भी हटा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा एक लाइन का ही कोड है, हम इसको रन करते हैं, ठीक है, तभी हमारा आउटपुट जो होगा वो 9 ही होने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा हमारा कोड था, ये वाला जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है, ये वाला, ठीक है, 3 लाइन का था, 1 2 3, ओके। इसको हमने ओनली सिंगल लाइन में यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो एरो फंक्शन अभी तो ये अभी छोटा ही कोड था, तब इसमें पता नहीं चला, लेकिन जब हमारा बड़ा कोड होता है, बड़ा फंक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं, तब इसके बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये था हमारा नॉर्मली एरो फंक्शन, ओके ओके। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि जो हमारे जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन होते हैं, इसमें मल्टीपल पैरामीटर किस तरीके से हम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताया है, जिसमें क्या किया, एक लेट नंबर, एक एरे क्रिएट किया, उसको हम सॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से हम एरो फंक्शन की, पहले हम नॉर्मल फंक्शन की तरह देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं एक लेट नंबर्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ 5 8 1 2 6, ओके। ये मेरा एक नंबर क्रिएट हो गया, ठीक है। मैं इसको सॉर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, नंबर डॉट सॉर्ट, एक जो सॉर्ट का मेथड होता है हमारे जावास्क्रिप्ट में, सॉर्ट, ओके। और इसके अंदर फंक्शन फंक्शन एंड ए एंड बी, ओके, देन रिटर्न रिटर्न बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए, ओके। और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये मेरी चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये मेथड था मेरे एक नॉर्मली किसी भी नंबर को सॉर्ट करने का, यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है, इसको हम सॉर्ट किए हैं, ठीक है। अब हम इसको एरो फंक्शन की हेल्प से किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम तो यहाँ पे इस फंक्शन कीवर्ड वाला है, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं फंक्शन वर्ड को, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, इक्वल टू देन ये साइन एंड ओके। ये हमारा एक एरो फंक्शन बन चुका है, इसको हम करते हैं रन, ठीक है। तो अभी भी यही चीज़ होगी, तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर यहाँ पे 7 और कर देता हूँ, आपको फिर कंप्लीट पता लग जाए, ठीक है। तो ये नंबर हमारे सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया था, अगर हमारा जो ये एक लाइन का ही कोड है, तो हम यहाँ से कर्ली ब्रेसेस इन चीज़ों को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे इन रिटर्न को भी रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से
इसके लिए सिंपल रिटर्न और इस वाली चीज़ को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रन। ठीक है, तो वही चीज़ शो कर रहा है, तो एक नंबर मैं और ऐड कर देता हूँ 9। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ें हमारी वर्क कर रही हैं। ठीक है ना, तो ये था हमारा सिंपल कि किस तरीके से हम एक एरो फंक्शन की हेल्प से जो हमारा फंक्शन कीवर्ड होता है उसको रिमूव करके हमारा जो बड़ा सारा कोड होता है उसको हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा एक एरो फंक्शन के बारे में। ओके, और यहाँ पे एक एग्जांपल और बताया हुआ है मैंने, वही एग्जांपल है। ठीक है, ये तो था हमारा पहले बड़ा नंबर आएगा उसके बाद ये छोटे, इसको हम अगर शो करना चाहें तो यहाँ पे सिंपल ए एंड इस पर करना हमें बी। ठीक है, आपको पता ही होगा इस शॉर्ट मेथड के बारे में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आपको ज़्यादा बताना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल एरो फंक्शन के बारे में। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो सिंपल मैंने इसका थोड़ा सा इसका ये बताया कि जो ES6 में हमें इंट्रोड्यूस हुआ है ये वाले चीज़ें। ओके, और उसके बाद मैंने यहाँ पे दो नॉर्मली एग्जांपल लेके बताए हैं, और उसके बाद इनमें इन फंक्शंस को मैंने एरो फंक्शन की हेल्प से भी आपको अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है, और लास्ट में ये किस यही था कि किस तरीके से हम एरो फंक्शन ऐड कर सकते हैं। ओके, और टाइप ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से भी बताया गया कि ये फंक्शन ही शो कर रहा है यहाँ पे। हाँ, लास्ट में हमने ये एग्जांपल इसका मल्टीपल पैरामीटर के साथ में देखे ही है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ हाँ, एक चीज़ और रह गई, वीडियो के लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड प्रोग्राम के बारे में। ओके, तो न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड प्रोग्राम एक लर्निंग पर्पज के लिए प्लेटफॉर्म बना गया है। उसको एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल न्यूटन स्कूल पे आना है पहले, तो उसके बाद आपको सिंपल लॉन्च पैड पे क्लिक करना है। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आपको स्टार्ट नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करना है। ओके, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैंने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो इसलिए मेरे को ये डैशबोर्ड शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तीन सेक्शन बने हुए हैं। फर्स्ट है ट्रैक, जिसमें हमारे बहुत से कोर्सेज अवेलेबल होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट July 2021। ओके, और इसके बाद यहाँ पे हमारे और इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट से हो गए, बिगिनर गाइड, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम इन जावा। ओके, हिंदी में है यहाँ पे, और कंप्लीट पाइथन कोर्स फॉर बिगिनर। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हो। तो सेकंड सेक्शन है प्लेग्राउंड, तो इसमें क्या है कि आप ऑनलाइन कोड रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो उसको आपको सेटअप करना जरूरत नहीं है, आप सिंपल इस लॉन्च पैड पे आइए और प्लेग्राउंड में आने के बाद अपना कोड रन कर सकते हैं। ओके, आगे हम जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करवाने के लिए हम इसी का यूज करने वाले हैं, लेकिन अभी हम दो तीन वीडियो VS कोड में देखने वाले हैं, उसके बाद हम भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो तीन प्लेग्राउंड बना रखे हैं। ओके, और जो इसका लास्ट है वो है कॉन्टेस्ट सेक्शन। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉन्टेस्ट जो अभी न्यूटन स्कूल करवा रहा है या पास्ट में हो चुके हैं या फ्यूचर में होने वाले हैं, वो सभी यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो पास्ट कॉन्टेस्ट की एक लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे। ओके, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप यहाँ पे आके सिंपल पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, और जो अभी चल रहे हैं उनमें से है न्यूटन कोडिंग चैलेंज June 2021। ओके, और जिसका जो सेकंड है वो है न्यूटन ग्रांट कॉन्टेस्ट। ओके, तो अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें, तो आप इसमें पहले रजिस्टर कीजिए, उसके बाद इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट। और हाँ गाइस, वीडियो के लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज के वीडियो में हमने क्या देखा, जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शंस के बारे में देखा है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम एक रैंडम कलर फिलिपर किस तरीके से बना सकते हैं, मतलब कि हम एक बटन बनाएंगे, उस बटन पे कोई भी क्लिक करें ना, जैसे कोई क्लिक करे ना तो एक रैंडम कलर जनरेट हो हमारे बॉडी बैकग्राउंड में। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ओके, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोड किचन न्यूटन स्कूल। ठीक है, और उसके साथ साथ में इस नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, और साथ में एक काम और कीजिएगा, जो मेरी ये वाली प्लेलिस्ट है जावास्क्रिप्ट की, इसको अपने ब्राउजर पर बुकमार्क कर लीजिए। ठीक है, जिससे आप एक भी वीडियो को इधर उधर ना कर पाएं। ओके, तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।